हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनीषा कॉमर्स क्लासेस में। आज हम अपना चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग, एरर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एरर्स किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। रेक्टिफिकेशन के हिसाब से जो एरर्स है वो टू टाइप के होते हैं, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर कौन से एरर्स होते हैं? जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड एक साइड पे होते हैं उनको हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। टू साइडेड एरर कौन से एरर्स होते हैं? जो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स को अफेक्ट करते हैं, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। तो चलिए सबसे पहले हम वन साइडेड एरर के बारे में देख लेते हैं। वन साइडेड एरर आपको पता चल ही गया होगा कि वन साइडेड एरर क्या होते हैं। वन साइडेड एरर्स कब रिवील होते हैं? अगर वो बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस रिवील होते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रिवील होते हैं, तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। अगर आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रिवील होते हैं, तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। तो आज हम करेंगे वन साइडेड एरर बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर रिवील होते हैं तो। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। अगर आ जाता है हमारे न्यूमेरिकल में नो सस्पेंस अकाउंट, तो इट मीन्स ये बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस में यूज होता है। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी, सैलरीज ऑफ रुपीज 5000 पेड टू राहुल वॉज नॉट पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। मतलब क्या है कि हमने राहुल को 5000 की सैलरीज पे की है, ठीक है, पर हमने उसकी एंट्री सैलरीज अकाउंट में नहीं डाली है। मतलब सिर्फ एक साइड को अफेक्ट करता है, राहुल के जो अकाउंट है उसमें तो हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है, बट जो सैलरीज अकाउंट है उसमें हमने उसकी पोस्टिंग नहीं की है। सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको डेबिट होना चाहिए था जो हमने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट बनाएंगे हम सैलरीज अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या है, जो वन साइडेड एरर है बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। हमारी एंट्री क्या थी, सैलरीज ऑफ रुपीज 5000 पेड टू राहुल वॉज नॉट पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। मतलब 5000 की हमने राहुल को सैलरी दी है और हमने उसको सैलरी अकाउंट में नहीं पोस्ट किया, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट में उसको पोस्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब हमने सैलरी है जो वो पे की है, ठीक है, कितनी सैलरी पे की है, 5000, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सेकेंड, सेल्स टू अमरीश ऑफ रुपीज 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1340। मतलब हमने अमरीश को सेल किया है 1430 रुपीज की, पर हमने उसके अकाउंट में कितनी लिखा है, 1340, उसके अकाउंट में हमने पोस्ट किया 1340। मतलब क्या है, हमने 90 रुपीज से कम डेबिट किया अमरीश को, क्योंकि जब हम अमरीश के अकाउंट में एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, अमरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 1430 की एंट्री डालनी थी, डाली है हमने 1340 की, मतलब 90 रुपीज से कम डेबिट किया अमरीश को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अमरीश का अकाउंट बनाएंगे, अमरीश अकाउंट, ठीक है, यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमरीश को डेबिट कर देंगे 90 रुपीज से, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री है हमारी, सेल्स टू विजय ऑफ रुपीज 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2740। यानी कि हमने विजय को सेल्स की है 2470 की है, पर हमने उसके अकाउंट में कितनी डाली है, 2740 की, यानी कि हमने विजय को ज्यादा पैसों से डेबिट कर दिया है। तो हमने विजय को ज्यादा पैसों से डेबिट कर दिया, करना था 2470 से, कर दिया 2740 से, मतलब डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 270 का, 270 से हमने ज्यादा डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, विजय को अब क्रेडिट कर देंगे 270 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विजय का अकाउंट बनाएंगे, विजय अकाउंट, विजय अकाउंट, ठीक है। विजय को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 270 से। नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ एंट्री,
परचेज फ्रॉम पावल ऑफ रुपीज 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1340 परचेज किया हमने पावल से 1430 रुपीज की और उसके अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया 1340। मतलब क्या है कि परचेज तो हमने पावल से 1430 की किया और उसके अकाउंट में पोस्ट किया 1340, यानी कि हमने कम से डेबिट किया, सॉरी कम से क्रेडिट किया है पाल को। हिज अकाउंट मतलब पाल को हमने क्या करना था, क्रेडिट, हमने उसको क्रेडिट कम से किया, 90 रुपीज कम से क्रेडिट किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 90 रुपीज से और क्रेडिट कर देंगे। पाल का अकाउंट बनाएंगे हम, पाल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय परचेज कितने से, 90 रुपीज से दोबारा क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। अब हम अपनी लास्ट एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री है हमारी, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। जो हमारी परचेज बुक है उसका टोटल है जो 100 रुपीज कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 रुपीज से दोबारा डेबिट कर देंगे परचेज बुक को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट बनाएंगे और उसको 100 रुपीज से दोबारा डेबिट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक रेक्टिफाइड। मतलब क्या है कि जो परचेज बुक थी वो 100 से अंडरकास्ट थी और हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस है वन साइडेड एरर, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस करेंगे वन साइडेड एरर्स, कि उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।